भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांतिलाल भूरिया शहर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुबीसी हॉस्पिटल परिसर स्थित विधायक कार्यालय में बैठक ली। यात्रा मूल रूप से दिल जोड़ने की यात्रा है। वर्तमान में अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, उन्माद फैलाया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। इन सब के खिलाफ और भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान गुटबाजी के सवाल पर कहा कि भाजपा में भी तो गुटबाजी है। क्या शिवराज महाराज, गैर महाराज, डॉक्टर वीडी शर्मा, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय गुट नहीं है? अरुण यादव पर बार बार कांग्रेस छोड़ने के उठे सवालों पर कहा कि अरुण यादव वह व्यक्ति है जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रहा है, वह सदैव इन है, कभी आउट नहीं होगा। उन्होंने गोडसे की पूजा पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि हत्यारों का सम्मान करने वालों की वह घोर निंदा करते हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। तो अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ और भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और हर प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। लगभग 1800 किलोमीटर हम लोग पूरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के उत्तरी छोर पर हम लोग पहुंच चुके हैं वाशिम तक, और उम्मीद है कि फरवरी तक हम लोग श्रीनगर पहुंच जाएंगे और श्रीनगर में जाके अपना झंडा फहराएंगे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, विचारधारा से है। जो विचारधारा लोगों को बांटती है, जो विचारधारा केवल कुछ चंद अरब खरबपतियों को सहयोग करती है, नीति बनाती है, उनके लिए नियम बनाती है, योजना बनाती है, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और आपके जिले से निकलेगी। हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा मूल रूप से दिल जोड़ने की यात्रा है। ये देश सबका है, सबको समान अधिकार संविधान में दिए हुए हैं और सबको न्याय मिलने की हमें इस बात पर कोशिश करना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। इम्पैक्ट आ रहा है, किस प्रकार का इम्पैक्ट देख रहे हैं? मैंने कहा ना, जो लोग मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ मुंह ही नहीं करते थे, वहां मंदिर और मस्जिद जाने लगे। जो लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के को कभी समाप्त करने के अभियान में लगे हुए, कांग्रेस को भारत बनाना चाहते हैं, आज हमें चिंता की लकीरें उनके मस्तिष्क में नजर आने लगी है। इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। भाजपा नेता के निशाने में है राहुल गांधी की यात्रा, हर कोई नेता केवल इसी पे बयान दे रहा है, भारत जोड़ो यात्रा पे। आप क्या, इसका मतलब यही है ना कि तीर सही लगा है। कांग्रेस युवाओं को आगे लाने की बात करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 80 वर्ष के बुजुर्ग को बनाया है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, चुनाव हुआ ना, किसी युवक को मना किया था चुनाव लड़ने के लिए, दो लोगों ने फॉर्म भरा, खड़गे जी वो व्यक्ति है
सात साल की उम्र में दंगे में उनका मकान जला दिया गया था। उनके पिता उनको लेके घर से भागे, दलित परिवार से आते हैं, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वकील बने, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे, निशुल्क लड़ाई लड़ते रहे, कम उम्र में एमएलए बने, 9 चुनाव लड़े, 8 जीते। उससे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति कांग्रेस में कोई दूसरा नहीं था, बेहद योग्य है। और वर्षों तक मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एक भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा, ऐसा व्यक्ति आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गुजरात जी कहते थे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब मोदी जी एक आध बयान तो हमारे पक्ष में दे दो। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये कहा है इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही, उनको क्या ऐतराज है? गुजरात चुनाव में आज चुनाव समिति द्वारा जो है स्टार प्रचारक सूची जारी की, उसमें केवल मध्य प्रदेश 3 नाम है, आपका भी है कांतिलाल भूरिया जी और कमलनाथ जी का, ओबीसी नेता का इसमें नाम नहीं है। देखिए ये सारी चीजें प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजरात की तय करती है और उस सूची में अनेक ओबीसी लोगों के नाम है। गुटबाजी को लेकर भाजपा बहुत सवाल उठा रही, कांग्रेस की गुटबाजी विशेष रूप से, क्या भाजपा में कितनी गुट है? एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, एक गैर महाराज गुट, एक डॉक्टर बीडी शर्मा गुट, एक नरेंद्र सिंह तोमर गुट, और गिलाओ कैलाश 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 विजयवर्गीय गुट, अरुण आउट सुरेंद्र, ये चल भाजपा मुद्दा उठा। अरुण वो व्यक्ति है जो प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, केंद्र का मंत्री रहा है, और वो सदैव इन है, कभी आउट नहीं। आज ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे की पूजा, मैं उसकी निंदा करता हूँ, जो नाथुराम गोडसे जैसा देश का दुश्मन है, हत्यारों का सम्मान ये लोग कर रहे हैं, निंदा करता हूँ। इम्पैक्ट आ रहा है, किस प्रकार का इम्पैक्ट देख रहे हैं? मैंने कहा ना, जो लोग मंदिर की तरफ मस्जिद की तरफ मुंह भी नहीं करते थे वहां मंदिर और मस्जिद जाने लगे, जो लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के को कभी समाप्त करने के अभियान में लगे हुए, कांग्रेस को भारत बनाना चाहते हैं, आज उन्हें चिंता की लकीरें उनके मस्तिष्क में नजर आने लगी है, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। भाजपा नेता के निशाने में है राहुल गांधी की राह यात्रा, हर कोई नेता केवल इसी पे बयान दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा पे, आप क्या? इसका मतलब यही है ना कि तीर सही लगा है। कांग्रेस युवाओं को आगे लाने की बात करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 80 वर्ष के बुजुर्गों को बनाया है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, चुनाव हुआ ना, किसी युवक को मना किया था चुनाव लड़ने के लिए, दो लोगों ने फॉर्म भरा, खड़गे जी वो व्यक्ति है 7 साल की उम्र में दंगे में उनका मकान जला दिया गया था, उनके पिता उनको लेके घर से भागे, दलित परिवार से आते हैं, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वकील बने, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे, निशुल्क लड़ाई लड़ते रहे, कम उम्र में एमएलए बने, 9 चुनाव लड़े, 8 जीते। उससे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति कांग्रेस में कोई दूसरा नहीं था, बेहद योग्य है, और वर्षों तक मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एक भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा, ऐसा व्यक्ति आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। मोदी जी कहते थे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब मोदी जी एक आध बयान तो हमारे पक्ष में दे दो। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये कहा है इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही, उनको क्या ऐतराज है? गुजरात चुनाव में आज चुनाव समिति द्वारा जो है स्टार प्रचारक सूची जारी की, उसमें केवल मध्य प्रदेश 3 नाम है, आपका भी है कांतिलाल भूरिया जी और कमलनाथ जी का, ओबीसी नेता का इसमें नाम नहीं है। देखिए ये सारी चीजें प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजरात की तय करती है,
और उस सूची में अनेक ओबीसी के लोगों के नाम है। गुटबाजी को लेकर भाजपा बहुत सवाल उठा रही कांग्रेस की गुटबाजी विशेष रूप से। क्या भाजपा में कितनी गुट दिलाऊ? एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, एक गैर महाराज गुट, एक डॉक्टर बी डी शर्मा गुट, एक नरेंद्र सिंह तोमर गुट और गिलाओ कैलाश विजयवर्गीय आउट सुरेंद्र ये चल भाजपा मुद्दा उठा रही। अरुण वो व्यक्ति है जो प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, केंद्र का मंत्री रहा है और वो सदैव इन है, कभी आउट नहीं। आज ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे की पूजा, मैं उसकी निंदा करता हूँ जो नाथुराम गोडसे जैसा देश का दुश्मन हथियारों का सम्मान ये लोग कर रहे हैं, निंदा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।